आज का यह वीडियो उन स्त्रियों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है जो अपने पति से परेशान है या उनका पति उनकी बात नहीं सुनता या उनका पति किसी और महिला के चक्कर में फंस गया है आज यहाँ पर हम पति को वश में करने के उपाय बताने वाले हैं जिनका उपयोग करके आप अपने पति का आसानी से वशीकरण कर सकते हैं अगर आपका पति आपसे प्यार नहीं करता आपसे दूर रहता है या आपके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है अगर आप भी उस स्थिति में हैं कि आपका पति आपक वश में नहीं है आपकी सुनता नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि ऐसा है तो आप अपने पति के वशीकरण के लिए कुछ उपाय अपनाकर जीवन को पहले जैसा बना सकती हैं। इस वीडियो में हम जो उपाय आपको बताएंगे उसका प्रयोग कर आपका पति वही करेगा जो आप उसको करने के लिए बोलेंगी शनिवार की अर्ध रात्रि में सात लोग लेकर उस पर इट बार अपने पति का नाम लेकर फूक मारे और अगले रविवार को इनको आग में जला दें यह प्रयोग लगातार सात बार करने से पति के अलावा अन्य किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है प्रयोग पूरा होने के दो से तीन हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा दूसरा उपाय है अपने पति को अपने वश में करने के लिए इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पति के दाएं पैर की मिट्टी लेनी है थोड़ी सी और उस मिट्टी में अपना खुद का उपयोग किया जाने वाला सिंदूर मिला दे अब इस मिट्टी को एक छोटी सी डिब्बी में रख ले उसके बाद इसको अपने सामने रखकर मंत्र का एक बार जाप करें मंत्र जाप करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है मंत्र जाप करते समय आपको कोई देखे ना कोई टोके ना और आपको मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना ओम पति का नाम वश गुरु गुरु स्वाहा अगर आप इस मंत्र का जाप 108 बार सही तरीके से कर लेती है तो आपका पति आपका गुलाम बन जाएगा कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा अगर आप भी चाहती है अपने पति को वश में करना तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें